नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सीरीज बोर्ड के बारे में। तो ये देखिए, हमारे हाथ में एक सीरीज बोर्ड है और इसमें मैंने सारे कनेक्शन खोल दिए हैं। केवल ये होल्डर जो है, इसमें दो वायर लगे हुए हैं, एक नीला और एक पीला। तो बाकी कनेक्शन निकाल दिए हैं और सीरीज बोर्ड के कनेक्शन आपको करके अभी दिखाएँगे। तो ये है, आप देखिए। तो इसमें क्या करना है, जो होल्डर के दो वायर हैं, इसमें से कोई सा एक वायर लेना है, चाहे नीला वाला चाहे पीला वाला। आप किसी भी रंग के कोई वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये नीला वाला वायर इसमें उठा के और ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच पे दे देना है, एक पॉइंट पे। ऊपर वाले पॉइंट को थोड़ा सा इसे लूज कर लें और लूज करने के बाद जो है इसी पॉइंट पे इसे दे देना है इस। तो ये देख लीजिए आप, और इसको इसमें लगा देते हैं और टाइट कर देते हैं पेचकस या लाइनर या टेस्टर, तो किसी चीज़ से भी आप टाइट कर दें। तो इसको लगा दिया और ये हमारे हाथ में एक टेस्टर है, तो इससे मैंने इसे धीरे धीरे इस तरीके से टाइट कर दिया। लूज नहीं रहना चाहिए। अब ये पीला वाला जो वायर है, उसे डायरेक्ट सप्लाई में देना है। तो एक वायर स्विच से दूसरा वाला दूसरे पॉइंट से उठाएंगे और ये हमारे पास जो 5 पिन का सॉकेट है, तो 5 पिन के सॉकेट में वायर देना है। तो ये मेरे पास एक लाल वायर है और इसको थोड़ा सा दूसरी वाली पिन को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। लूज करने के बाद इस स्विच से लगाते हैं। स्विच से लगाने के बाद 5 पिन सॉकेट में दे देंगे इधर से। तो इसको लगा देते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। आप आसानी से कर लेंगे सीरीज बोर्ड के कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसी तरीके से। तो ये 5 पिन सॉकेट है, इसको यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसमें लगा देंगे। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ये वायर, तो इसे थोड़ा सा इसे कैंची से या वायर कटर हो किसी चीज़ से भी आप छील लें, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा वायर निकाल लिया है और ये दो 5 पिन के दो पिने आप देख रहे हैं, इन दोनों पिनों के जो पेंच लगे हैं उनको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें वायर लगा देंगे। तो इस तरीके से ढीला करने के बाद इसमें वायर लगाते हैं और उसके बाद इसे टाइट कर। तो ये पेंच ढीले हो गए हैं। अब इसी तरीके से इसमें लगाना है वायर को, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, लगा देते हैं इस तरीके से वायर को डाल के। और ये थोड़ा वायर बचा है, इसको मोड़ दें या फिर इसे काट दें। तो ये वायर हमारे पड़ गए हैं। अब इसको दो पेंच लगे हुए हैं, इन दोनों पेंचों को टाइट कर देना है। ये देखिए, ऊपर वाला पेंच टाइट हो गया है और ये नीचे वाला बचा है, इसको भी टाइट कर देते हैं। तो दोनों पेंच हमारे ये टाइट हो जाएंगे, तो ये वायर हमारा इसमें फिक्स हो जाएगा। तब ये देखिए, हमारे स्विच से लग के वायर हमारा फिक्स हो गया है और ये एक डायरेक्ट वायर बचा है, तो हमें सप्लाई में देना है। एक हमारा स्विच से हो गया है, तो इसमें दूसरा वायर उठाना है और यहाँ से इसको डायरेक्ट सप्लाई में देना है। तो आप देखिए, ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, तो ये लाल वायर है, इस लाल वायर को यहाँ से लगाएंगे। इसको लगाने के बाद मेन सप्लाई में इसको देंगे और पीले वाले को देंगे। बस इतने कनेक्शन है इसमें। तो इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, छोटा है, तो यहाँ पर इसे लगा देंगे। तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है इसमें। तो इसको थोड़े से पेंच को लूज कर लेते हैं, जो 5 पिन सॉकेट है हमारे पास लगा हुआ बोर्ड में। तो इस वायर को इसमें डाल देते हैं इस तरीके से, आप देखिए। ध्यानपूर्वक आप देखें कनेक्शन को, तो आप तुरंत कर लें कनेक्शन में इसमें। और ये वायर इसमें लगा दिया, और लगाने के बाद अगर जो फालतू वायर हो तो उसे काट दें, नहीं तो उसे मोड़ दें। थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो तो उसे काट दें, अगर थोड़ा हो तो उसे मोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो इधर टच होने का थोड़ा सा चांस रहेगा। अगर थोड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड में मोड़ दें, दूसरी तरफ में। तो इन दोनों पेचों को टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद ये दो जो लाल वाला वायर बचा और जो पीला वाला वायर बचा, इन दोनों वायरों को मेन सप्लाई के लिए निकाल लेंगे ऊपर। तो इनको निकाल लेते हैं, देखिए कनेक्शन ध्यान से एक बार और देख लीजिए, और उसके बाद इन्हें बंद कर देते हैं इस बोर्ड को।
इस तरीके से ये वायर ऊपर निकाल लिया और ये पीला वाला भी ऊपर निकाल लिया। दोनों वायरों को मेन सप्लाई के लिए ले लेंगे और इसको इसमें बॉक्स में रख के पेंच लगा देंगे। तो आपने कनेक्शन देख ही लिए होंगे, इसी तरीके से करने हैं और उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो अभी इसको बंद करने के बाद और इसमें एक मेन लीड जोड़ेंगे। मेन लीड जोड़ने के बाद आपको चला के भी दिखाएंगे किस तरीके से चलता है। तो ये जो 5 इंच सॉकेट है और इसी से वायर एक मेन देना है दूसरी तरफ से, और एक मेन स्विच से देना है, और एक ये हमारे पास होल्डर है इससे देना है, और एक दोनों दोनों के एक एक मेन ऊपर निकाल लेने हैं। तो ये पीला वाला और जो लाल वाला जो अभी साइड से एक क्या कहते हैं होल्डर से लगाया था और ये 5 पिन सॉकेट से लगाया था, दोनों को बाहर निकाल लिया। ये मेन लीड है, इस मेन लीड को इन दोनों वायर में जोड़ देंगे। आप चाहें तो मेन लीड को डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन मैं इस पर इसी तरीके से बांध के टेप लगा दे रहा हूँ, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको जोड़ने के बाद थोड़ा सा टेप लगा दें जिससे कि आपस में ये टच ना हो। तो ये पीला वाला वायर है, इसको भी जोड़ दे। तो इसको जोड़ने के बाद अब इसको भी टेप लगा देते हैं। तो ये दोनों वायरों में टेप लग जाएगा तो ये सप्लाई आपस में टच नहीं होगी, जो न्यूट्रल फेज जो आता है तो टच नहीं होगी। तो उससे कोई हमारा मतलब सर्किट में कोई ख़तरा नहीं रहेगा तार वगैरह जलने का या मिलने का। तो ये टेप लगा देंगे तो इससे थोड़ा हमारा सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से इसमें टेप लगा देते हैं। और जो हमारे पास दूसरा वायर है पीला वाला, तो उसमें भी टेप लगा देंगे अभी, और दोनों में टेप लगाने के बाद इसे इस बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इसमें भी टेप लगा देते हैं। तो ये थोड़ा कैंची से इसे छील लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टूट गया था, दोबारा से बढ़िया करके इसे बांध देते हैं। और इसको बांधने के बाद फिर टेप लगाते हैं इसमें। तो इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा था, एक कैंची से काट दिया, फिर तो थोड़ा सा इसको सही कर दिया, और सही करने के बाद फिर टेप लगाते हैं इसमें। तो ये देखिए टेप लग के रेडी हो गया है, और अब इसको बस बॉक्स में बंद करना है केवल। और कनेक्शन भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। एक बार और आप देख लीजिए, स्विच से लगाया एक और स्विच से 5 पिन सॉकेट, 5 पिन से एक मेन दे दिया, और बस इतने हिस्से ही कनेक्शन है इसमें। और ये मेन लीड को इसमें जोड़ दिया है। अब इसमें एक गांठ वगैरह लगा देना जिससे ये ऊपर वायर खींचे ना। तो इस मेन लीड को अंदर कर देते हैं यहाँ पे, ये जो जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे जो पेंच लगे हुए हैं, दो पेंच लगा जो होल हैं इसमें पेंच लगाना है। बस पेंच लगा के टाइट कर देंगे तो उसके बाद ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद अभी बल्ब वगैरह लगा के इसमें हम आपको दिखाएँगे किस तरीके से ये कार्य करता है। ये पेंच टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना दोस्तों, आसानी से आप बना सकते हैं घर पे, कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं इससे। तो ये पेंच लग गए हैं हमारे। अब ये बल्ब है हमारे पास 60 वाट का, इस 60 वाट बल्ब से आपको दिखाएंगे चेक करके। तो इसमें होल्डर में लगा देते हैं इस बल्ब को। तो ये देखिए ये बल्ब लग गया है, और उसके बाद 220 वोल्ट एसी का ये बोर्ड है एक। इस बोर्ड में इसकी मेन लीड को लगाएंगे, जो हमारा सीरीज बोर्ड है, तो इसकी मेन लीड को इस बोर्ड में लगाएंगे जिसमें हमारे 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है। चलिए लगा देते हैं इसको। अब लगा दिया है। अब एक हमारे पास ये देखिए ग्रीन वायर है, जो ग्रीन वायर है इसको 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक प्लग भी बांध सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको डायरेक्ट लगा के दिखाएँगे। थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है इसे। बस इस तरीके से इसमें लगा देना है 5 पिन सॉकेट में, चाहे ऊपर वाली 2 पिनों में, चाहे नीचे वाली में, किसी में लगा दीजिए, क्योंकि दोनों में कनेक्शन कर दिए हैं आपने अभी देखा था। तो ये नहीं जल रहा है, स्विच ऑफ है अभी। तो अब स्विच ऑन कर लेते हैं एक बार, देखिए जल गया। इसको दोनों को टच करते हैं तो हमारा सर्किट पूरा हो जाता है और ये बल्ब जल जाता है। तो इससे अगर कोई भी सर्किट या उपकरण जैसे पंखा है या प्रेस है या क्या कहते हैं मिक्सी वगैरह है, कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो बल्ब आधा जलेगा और वो चीज़ चलेगी भी। अगर वो चीज़ नहीं चल रही है, वो उपकरण नहीं चल रहा है, तो बल्ब पूरा जलेगा क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, और जब वो चलेगा तो बल्ब कम जलेगा। तो इससे अभी हम आपको पंखा चला के दिखाएँगे, और पंखा चला के दिखाने के बाद देखिए अभी बल्ब काफ़ी तेज़ जल रहा है। जब इससे कोई चीज़ चलाएँगे तो ये बल्ब कम हो जाएगा। तो ये अभी देखिए वायर हिल गया यहाँ से, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा वायर ही लूज है यहाँ पे। अभी देखिए थोड़ा सा प्लग थोड़ा सही रहता है, लेकिन फिर भी इसे भी चेक कर सकते हैं।
तो देखिए बल्ब जल रहा है, इसको टच कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, हटा रहे हैं तो बंद हो रहा है, स्विच भी हमारा कार्य कर रहा है, स्विच को बंद करने पे नहीं जल रहा है। तो स्विच को बंद कर दिया, अब टच किया, देखिए नहीं जला, अब ऑन किया जल गया। तो ये स्विच से सही भी रहता है, स्विच बंद कर देंगे तो हमारा सीरीज बोर्ड बंद रहेगा, ऑन करेंगे तो सीरीज बोर्ड चालू हो जाएगा। और यही दोनों वायर से हमें हर चीज़ चेक करनी है, चाहे कोई सा सर्किट हो, कुछ भी चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इससे सीरीज बोर्ड से। तो ये देखिए पंखा है, इस पंखे का प्लग सीरीज बोर्ड के 5-पिन सॉकेट में लगाएंगे, उसके बाद आप देखिए लगा दिया इसको, अब स्विच को ऑन कर दिया। देखिए स्विच को ऑन करते ही पंखा भी चल गया और बल्ब भी चल गया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बल्ब पहले से काफ़ी कम है, मतलब आधा जल रहा है, और पंखा भी काफ़ी धीरे चल रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारा पंखा सही है और बल्ब आधा जल रहा है, तो पंखा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बल्ब पूरा जलता है पंखा नहीं चलता है तो इसका मतलब हमारे पंखे की मोटर शॉर्ट है या कहीं पर शॉर्ट सर्किट है, क्यों बल्ब पूरा जला पंखा नहीं चला। तो इस समय पंखा चल रहा है, कम स्पीड में चल रहा है लेकिन चल रहा है, और बल्ब भी आधा जल रहा है, दोनों चीज़ें कार्य कर रही हैं। तो ये सीरीज बोर्ड बहुत ही सुविधाजनक रहता है। तो देखिए आप, अब इसके बाद हम आपको डायरेक्ट लगा के दिखाएंगे, काफ़ी तेज़ चलेगा, अभी तो धीरे धीरे चल रहा है। इसको देखिए हम डायरेक्ट बोर्ड में लगाते हैं, 220 वोल्ट में इधर जो आ रही है, डायरेक्ट सीरीज नहीं है ये, देखिए काफ़ी तेज़ हो गया, स्पीड बहुत तेज़ हो गई। तो इस तरीके से आप कोई भी उपकरण चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।